हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं लाइनेक्स AWS ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर मैं कहूँ क्लाउड क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे इट्स शेयरिंग ए रिसोर्सेज फ्रॉम रिमोट लोकेशन, यू आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज वाया इंटरनेट ऑन पे एज यू गो मॉडल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, जैसे आपको सर्वर की ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है, नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट की हेल्प से, चाहे वो आपके परमिश में रखी हो या नहीं रखी हो, वो कहीं और भी रखी हो, आप उसे यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू। दोस्तों, मैं अगर बात करूं क्लाउड की तो ये एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में बहुत ही बूम है, डिमांड है। तो कई बार जहन में ये आता है आखिर क्लाउड क्या है, मतलब क्लाउड इस नाम क्यों पड़ा, वाई इट्स नेम क्लाउड, इसका नाम क्लाउड ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा, कुछ और भी पड़ सकता था। इसकी वजह ये है कि क्लाउड का मतलब होता है बादल, राइट, जो आसमान में होते हैं, राइट। तो बादल जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड से बनते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से बनते हैं, बहुत सारे गैसेस मिल के क्लाउड बनते हैं। लेकिन एट द एंड आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है आपको? आप क्लाउड से क्या चाहते हैं? हम क्लाउड से चाहते हैं कि बारिश हो, पानी मिले हमें, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट सर्विसेज हैं। क्लाउड हमारी क्या रिक्वायरमेंट पूरी करता है? पानी करता है। लेकिन उससे बनने के लिए क्लाउड में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, फॉर्म होती हैं, फिर हमें आउटपुट में वाटर मिलता है, गैस तो नहीं मिलता। वैसे ही क्लाउड सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, जैसे डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, एप्लीकेशन सर्वर भी रखी हुई हैं। आपको जो आउटपुट चाहिए, आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्लाउड वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आज हम इन सब को ही डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, जरूर समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने डेस्क पे और वहाँ पे मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कंपनी ए है, ओके, कंपनी ए है, मान लीजिए कंपनी ए है, उसमें हमें ज़रूरत, अगर मान लो कि अगर आपको एक कंपनी खड़ी करनी है, कंपनी ए के नाम से आप स्टार्ट करते हो अपनी कंपनी की, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी? जैसे मान लो कि आपको एडी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट। सेकंड इज आपको डीएनएस की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड इज एप्लीकेशन सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्विचेज की ज़रूरत पड़ेगी, केबलिंग करना पड़ेगा, आपको केबलिंग करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, फायरवॉल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको 24x7 एसी की बिजली बिल की आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। देन आपको लेबर चार्ज, मान लो आप 15 लेबर्स रखते हो अपने कंपनी में, उनको चार्ज देना पड़ेगा। आप सर्वर तो है, आप सर्वर को आप बंद नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको नाइट शिफ्ट भी लगाना पड़ेगा। तो मतलब एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम आपको इतनी सारी ज़रूरतों को फुलफिल करनी पड़ेगी, इतनी सारी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसकी जितने भी इसकी जो
कॉस्ट पड़ेगी उसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं। कैपेक्स की टोटल जो एक्सपेंडिचर होती है, जितने भी खर्चे होते हैं, इसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो आपको एक कंपनी खड़ा करने के लिए इतनी सारी, इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। मैं ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि इतनी सारी खर्चे होंगे। लगभग आपके जो एडी सर्वर है, डीएनएस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, लाखों रुपए के आपके सर्वर खरीदने पड़ेंगे। मान लो मार्केट में आप नए कंपनी स्टार्टअप करते हो, इतने सारे सर्वर, इतने सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप फुलफिल करते हो अपने कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर फुलफिल करके और आप कंपनी स्टार्ट कर देते हो। कंपनी स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि आपकी कंपनी चलती है। ओके, कंपनी चलने के बाद, चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है, कल को आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, वो डाउन चली जाती है, तो आप क्या करोगे? आपकी ये जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी सर्वर्स हैं, राउटर हैं, ये सारे तो वेस्ट जाएंगे ना, कुछ काम के है नहीं, तो आप क्या करोगे? ये तो कोई यूजेबल है नहीं। फिर आप कंपनी स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? अगेन आपकी जब बिजनेस डाउन हो जाएगी, आपकी बिजनेस ठप हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे? नहीं करोगे। अगर आपके बिजनेस चल पड़े तो कोई बात नहीं, वो तो उसकी कोई बात नहीं। तो वैसे ही मार्केट में क्या हुआ, जो क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का एक वर्ड आया, एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस आया। ओके, अपने मार्केट में वो हमें क्या प्रोवाइड किया, जितने भी आपको कंपनी स्टार्टअप करने में ज़रूरत पड़ती है, लेबर चार्ज छोड़ के, लेबर की कॉस्ट छोड़ के, जितने भी आपकी ज़रूरत होती है आपको एक कंपनी स्टार्ट करने में, वो जितने भी मतलब सर्वर, जितने भी एडी सर्वर, फायरवॉल, इंटरनेट गेटवे, वीपीसी, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं, वो सारे इंफ्रा आपको प्रोवाइड करती है क्लाउड सर्विसेज। ओके, ये नाम मार्केट में आया, आपको प्रोवाइड करती है ये सारे सर्विसेज। समझ में आया? देन क्या होता है कि मार्केट में सबसे पहले आया AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। ओके, देन उसके बाद बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज मार्केट में आए। ओके, मार्केट में बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज मार्केट में आए। तो हम जो स्टार्ट करेंगे क्लाउड के बारे में, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये इतने सारे कंपनी स्टार्ट करने में है, क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्यों यूज करते हैं। तो आइए हम आपको, पहले मैं बता देता हूँ AWS की सर्टिफिकेशन के बारे में। अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ, तो वैसे तो मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, आप देख लो। सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो होता है आपको आर्किटेक्चर लेवल होता है, जिसमें फर्स्ट लेवल जो होता है एसोसिएट लेवल होता है, देन सेकंड हम लोग प्रोफेशनल पे मूव करते हैं। अगर कोई डेवलपर है तो वो AWS डेवॉप्स पे जाते हैं, उसमें भी आपको एसोसिएट लेवल, देन प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, देन सीसॉप पे जाते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कर सकते हैं। सीसॉप पे है, उसमें भी प्रोफेशनल एंड एसोसिएट लेवल आप कर सकते हैं। आइए मैं यहाँ AWS सर्टिफिकेशन को दिखा दूँ आपको। सबसे पहले प्रैक्टिशनर होता है, जो कि हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं उसका, यहाँ से स्टार्ट होता है एसोसिएट लेवल। फर्स्ट जो होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, उसके बाद डेवलपर होते हैं, उसके बाद सीसॉप्स होते हैं। ओके, मैक्सिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें आपको काम करने के लिए आपको चाहिए रहता है, कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको एसोसिएट लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि डेवलपर के पास हम जाके कर, डेवलपर से स्टार्ट करें, तो नहीं हो सकता, आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से ही स्टार्ट करना पड़ता है। देन आपको ये तीनों स्टेजेस पार करके तब आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना रहता है, इसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, देन डेवॉप्स पे जाना रहता है। उसके बाद स्पेशलिस्ट पे आपको जाके यहाँ पे आपको मूव करना पड़ता है। तो देन ये तो रहा आपके पास आर्किटेक्चर रोल, कैसे हम लोग मूव करते हैं, कैसे हम लोग का कैरियर है AWS के अंदर। देन मैं आपको ले चलता हूँ एक PDF पे, और मैं आपको
अमेज़ॉन की डेफिनेशन समझा देता हूँ। फर्स्टली, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि AWS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अमेज़ॉन वेब सर्विस होती है AWS की फुल फॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटर पावर सॉरी कंप्यूट पावर डेटाबेस स्टोरेज एप्लीकेशंस एंड अदर आईटी रिसोर्सेज थ्रू ए क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म वाया द इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। कहने का मतलब ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको ऑन डिमांड डिलीवरी देती है, मतलब आपकी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड कराती है। आपको सर्वर की ज़रूरत है, आपको स्टोरेज की ज़रूरत है, आपको होस्टिंग की ज़रूरत है, वो सारी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको वो डिलीवरी करती है। जैसे कि यहाँ मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटाबेस की ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है, एप्लीकेशन, चाहे वो आईटी रिसोर्स, मतलब आईटी में एक आईटी कंपनी के अंदर जो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करवाती है क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म पे। ओके, क्लाउड सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आईटी कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करवाती है। आपके पास बस इंटरनेट होनी चाहिए तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा वाया द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं विथ पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। मतलब आप जितना यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म पे, आप जितने देर यूज करते हैं उनकी सर्विसेज को, आपको बस उतनी ही पे करनी है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की एक रूल है कि आपको वो चार्ज घंटे पर ही देगी। मतलब आप अगर उसकी जो सर्विसेज हैं 1 घंटे यूज कर रहे हैं तो आपको बस 1 घंटे की ही चार्ज देनी पड़ेगी। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ मैं। मान लो कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट है जो आपको आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, वो टोटली जो है AWS क्लाउड पे वो है, AWS पे ही बेस्ड है वो। नेटफ्लिक्स जितने भी आप देखते हैं वेब सीरीज, सारे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नेटफ्लिक्स AWS पे ही है। अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, ओके, बिग बिलियंस डे आता है, कोई भी फंक्शन आता है तो उसमें ये लोग ऑफर निकालते हैं। ओके, तो मान लो कि नॉर्मल डे में वो 50 लाख के आसपास यूजर विजिट करते हैं पर डे। ओके, नॉर्मल डे के, ऐसे कोई फंक्शन में नहीं, नॉर्मल डे में वो 50 लाख के एक्सेस कर रहे हैं। ओके, जब बिग बिलियंस डे आता है या फिर कोई दिवाली या फिर दुर्गा पूजा आता है, तो उस टाइम क्या होता है, जब बिग बिलियंस डे निकालते हैं तो उस टाइम ऑफर्स निकालते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो 50 लाख यूजर होते हैं, 50 लाख जो यूजर होते हैं वो बढ़ के हो जाते हैं 3 3 करोड़, 3 करोड़ यूजर बढ़ के हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे नॉर्मल डे में यूजर 50 लाख रोज विजिट कर रहे हैं, 10 दिन का बिलियंस जो बिग बिलियंस डे निकला, 10 दिन के लिए उस पे यूजर विजिट कर रहे हैं 3 करोड़। ओके, 3 करोड़, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो रीज़न यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो है आपको ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपकी आपके पास अगर आप उनसे सर्विसेज ले रहे हो, आपको अगर मान लो कि आपके विजिट कर रहे हैं 50 लाख, तो आपको 3 सर्वर की ज़रूरत है, तो वो खुद अपने हिसाब से वो आपको 3 सर्वर एलोकेट करेंगे। जैसे ही यूज़र बढ़ते हैं, जैसे ही आपके एप्लीकेशन पे आपके साइट पे यूजर बढ़ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये स्केलेबिलिटी देता है कि वो डायरेक्ट 3 सर्वर से 50 सर्वर 100 सर्वर जितनी ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक क्लाउड कंप्यूटिंग आपके एप्लीकेशन पे वो प्रोवाइड करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करेगा। इसमें क्या होता है कि आपको
आपकी एप्लीकेशन को क्रैश होने की दिक्कत नहीं है, वो आराम से आपका हो जाता है। तो आप फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पे भी जब वेब सीरीज नया आता है तो यूजर्स कितने बढ़ते होंगे, तो वो बढ़ते होंगे तो उतने यूजर्स को हैंडल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या करते हैं, वो सर्वर्स को बढ़ा लेते हैं, ऑटोमेटिक वो बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है वो आगे चल के बताऊंगा, बट इतना समझिए कि ये स्केलेबिलिटी है कि वो आपके आपके जो रिसोर्सेस हैं उसको वो उस पे वो सर्वर को ऑटोमेटिक ऐड करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ये सारे बहुत सारे फायदे हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हम जितना यूज करेंगे उतना ही आपको प्राइस देना पड़ेगा। ओके, अगर बात करते हैं टॉप लेयर मार्केट में कौन कौन से टॉप प्लेयर हैं, तो फर्स्ट जो है वो AWS है, अमेजॉन वेब सर्विस है। सेकंड माइक्रोसॉफ्ट का जो अजूर है, अजूर क्लाउड वो है। देन GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल भी अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म निकाल चुका है। फोर्थ नंबर पे है अलीबाबा क्लाउड। अलीबाबा जो क्लाउड है ये चाइना का है, जिनके फाउंडर हैं जैकमा। ऑरेकल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, VMware है, फुदुसू है, IBM है। ओके, इतने सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है अपने मार्केट में, बट टॉप लेयर में सबसे पहले AWS है। AWS ज़्यादातर यूज होता है, एसेंचर वगैरह जितने भी हैं उसमें अजूर यूज होता है। एसेंचर भी बहुत पॉपुलर है, बट AWS जो है लगभग 70-80% मार्केट को कवर करके रखा हुआ है। मतलब अधिकतर AWS ही यूज होता है सारे IT कंपनीज में और जितने भी बिजनेस वगैरह। अब आप मान ही लो नेटफ्लिक्स जो है AWS पे ही है, तो नेटफ्लिक्स इतने बड़े लेवल पे वर्क करता है तो आप समझ ही सकते हो कि AWS पे है। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बात करें कि AWS की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, आप दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और इसे सेल्फ सर्विस ही बोलते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप अपने से खुद से जो आपको रिक्वायरमेंट है आप इसे फुलफिल कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि आप लंदन में बैठे हो, ओके, आप इंडिया में हो, इंडिया में आप AWS से यूज कर रहे हो, आप लंदन गए, लंदन में मुझे यूज करना है, मुझे काम करना है, तो आप अपने AWS का अकाउंट ओपन करो और वहाँ आप खुद से मैनेज कर सकते हो। आप वहाँ खुद से अपने सर्वर को ऐड कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप इंडिया में हो तो इंडिया में ही आपको प्रॉब्लम देगा, सॉरी इंडिया में ही आपको वर्क करेगा। लंदन गए, पेरिस गए, जहाँ भी गए, अमेरिका गए, वहाँ आपका यूज़ नहीं करेगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। AWS आपको प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप अपने खुद से मैनेज कर सकते हो अपने सर्वर को। ओके, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, घटाना है तो घटा सकते हो। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप उसके थ्रू आप कितने भी आप इसे एक्सेस करिए आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इससे जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ओके, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब यही है कि आपके पास नेटवर्क है, आप AWS के अंदर जाओ, जो सर्विसेस आप यूज करना चाहते हो आप फुलफिल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट को। ओके, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि 10 दिनों के लिए आपको सर्वर चाहिए, 10 सर्वर चाहिए मान लो, तो आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सर्वर को कितना बढ़ाना चाहते हो और कितना घटाना चाहते हो। ये आपको AWS स्केलेबिलिटी देता है, स्केलेबिलिटी देता है कि आप अपने सर्वर को खुद से मैनेज कर सकते हो, कितना बढ़ाना चाहते हो, कितने यूजर्स के हिसाब से कितना हम सर्वर रख सकते हैं, या आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, रिसोर्स पूलिंग का मतलब क्या होता है। रिसोर्स पूलिंग का मतलब होता है, मान लो कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, ओके, 10 कोल्ड ड्रिंक को आप क्या करते हो, एक टब में डाल देते हो। ओके, एक टब में डालने के बाद
आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं उस टब से 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक को निकाल के पी लूँ। ओके, आपके कलीग्स, आपके दोस्त को रिक्वायरमेंट है कि मैं उसमें से 4 गिलास पी लूँ। आपके और दोस्त को मतलब है कि भाई मैं उसमें से 5 गिलास निकाल के पी लूँ। तो रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये है कि पूलिंग का मतलब होता है एक टब ले लो, उसके अंदर जितने भी आपके AWS है सारे रिसोर्सेस उसमें डाल दिया है। आप उसमें से जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप निकालिए, यूज कीजिए, फिर आप हैंड ओवर कर दीजिए AWS को। रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये होता है। ओके, मेजर सर्विसेज का मतलब होता है कि आप अगर फ्लिपकार्ट, आप अगर अमेजोन, आप अगर नेटफ्लिक्स पे अगर आप विजिट कर रहे हो, कितने यूजर विजिट कर रहा है, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, किसने क्या ऑर्डर किया, किसने क्या देखा, किसने क्या ऑर्डर वो करना चाहते हैं, सारे रिकॉर्ड वो रखता है अपने सर्विस के अंदर। कितने फीमेल हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑर्डर करना चाहा, सारा डिटेल्स, क्या शॉपिंग किया, कितने का शॉपिंग किया, वो सारा डिटेल्स आपका क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर फ्लिपकार्ट, एग्जाम्पल ले लो फ्लिपकार्ट, आपका डिटेल्स रखता है। तो मेजर सर्विसेज का मतलब आपका यही होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अभी चलते हैं सर्विसेज ऑफ क्लाउड। ओके, क्या क्या सर्विसेज जो होता है वो क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। ओके, अगर बात करते हैं सर्विसेज मॉडल इन क्लाउड की, क्लाउड हमें क्या क्या सर्विसेज मॉडल प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले मैं इसे ना सेव कर लेता हूँ कि आप अच्छे से देख पाएंगे। वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मेजर सर्विसेज तक। अब हम लोग मूव करते हैं सर्विसेज मॉडल इन क्लाउड पे। ओके, इसमें क्या होता है कि आपको क्लाउड क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर मान लो कि आपको एक आईटी कंपनी है, उसके अंदर क्या क्या मतलब क्या क्या होना रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए जिससे मैं एक आईटी कंपनी खड़ा कर सकूं। नेटवर्क होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट की है जो कि आईटी कंपनी को खड़ा करती है, एस्टैब्लिश करती है। नेटवर्क होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन होगा तभी लोग, अगर मान लो कल को जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो लोग घर से यूज कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन है, VPN है, ये लोग कैसे यूज करते हैं, ये सब से हम लोग भी यूज कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडिलवेयर हो गया, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, ये सारे जितने भी है कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्विसेज जो हैं वो आपके आईटी कंपनी को स्टैंड करती हैं। एक ट्रेडिशनल आईटी दिखा हुआ आईटी को एक स्टैंड करती है। अगर क्लाउड मॉडल सर्विसेज मॉडल की बात करूं तो क्लाउड जो है हमें 3 टाइप्स के हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट जो होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके, सेकेंड जो होता है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, क्लाउड हमें ये 3 तरह के मतलब तीन तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो इसलिए प्रोवाइड करता है कि किसी कोई भी इंसान के पास कंपनी खड़ा करता है, उनके पास एप्लीकेशन है, डेटा है, रन टाइम है, मिडलवेयर है, तो ये हम मैं क्यों लूँ, अगर मैं क्लाउड से अगर लेना चाहता हूँ, मेरे पास ये 3 चीज़ हैं, मुझे बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं क्लाउड से इतनी चीज़ें ले लिया, इतनी चीज़ों की पैसा मैं क्यों दूँ, इतने मेरे पास सर्विसेज हैं तो मैं खुद से यूज कर सकता हूँ। तो क्लाउड हमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको जितनी चीज़ें चाहिए हमसे, मैं उतना ही दूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो हमें क्लाउड से क्या क्या लेने पड़ेंगे, नेटवर्क लेनी पड़ेगी, ओके, स्टोरेज लेनी पड़ेगी, सर्वर लेने पड़ेंगे, वर्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन हमें क्या करना पड़ता है, इतने जितने भी आपको ब्लू कलर दिख रहे हैं ये आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। ओके,
फर्स्ट सर्विसेज मॉडल आपको ये कहता है, सेकंड सर्विसेज आपको मॉडल ये कहता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कि आपको एप्लीकेशन एंड डेटा खुद से मैनेज करनी है और उसके बाद जितने भी मेरे सर्विसेज हैं वो मैं दे दूंगा। मतलब मैं आपको नेटवर्क दे दूंगा, स्टोरेज दे दूंगा, सर्वर दे दूंगा, वर्चुअलाइजेशन दे दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम दे दूंगा, डेटा एंड एप्लीकेशन आप खुद समझो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको ये एडवाइस करता है। देन अगर आपके पास कुछ नहीं है, आईटी कंपनी खड़ी करनी है, तो आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले लो, जिसमें आपको जितने भी सर्विसेज हैं वो आपको क्लाउड खुद डिलीवरी करेगा। उसमें ऑप्शन है, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको जो जरूरत है वो आपको डिलीवरी करेगा, आपको सर्विसेज एज ए सॉफ्टवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में सारी चीज़ें क्लाउड आपको प्रोवाइड करती है। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सर्विसेज मॉडल इन क्लाउड क्या होती है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पॉज करें इस वीडियो को, अगेन बैक जाएं और अगेन से आप समझें। इस डायग्राम में एकदम क्लियर है कि आपको यहाँ आईटी कंपनी खड़ी करनी है, आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में ये जरूरत, ये जितने भी कलर मार्क है ये आपको खुद से अरेंज करनी है, और नीचे जो ग्रे ग्रेड है वो आपको क्लाउड आपको प्रोवाइड करेगी, डिलीवरी एज ए सर्विसेज यहाँ पे डिलीवर करेगा क्लाउड आपको। यहाँ लिखा हुआ यू मैनेज, ओके, यू मैनेज डेटा एंड एप्लीकेशन एंड डिलीवर्ड एज ए सर्विस विथ क्लाउड। ओके, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में डिलीवरी एज ए डिलीवर्ड एज ए सर्विसेज, मतलब नौ जितने भी सर्विसेज हैं आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना। आगे चलते हैं और जानते हैं AWS की हिस्ट्री के बारे में। अगर AWS की हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग जाने तो AWS जो लॉन्च हुआ था 2006 में, पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ लेना, बट मैं आपको बता देता हूँ कि फिनान ने 2003 में अपने रिसर्च पेपर में क्लाउड कंप्यूटिंग नाम चीज का डिस्कस कर दिया था। देन उन्होंने 2006 में AWS को लॉन्च किया, 2010 में AWS को मूव कर दिया Amazon.com पे, 2013 में इन्होंने अपना सर्टिफिकेशन निकाला, 2015-16 में इनका जो प्रॉफिट था वो डबल हो गया मार्केट के अंदर, 2017 के अंदर री इन्वेंट, इन्होंने हर साल री इन्वेंट करते हैं। री इवेंट क्या होता है, ये कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल इन्होंने कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने बिजनेस को लेके। इन्होंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लॉन्च कर दिया है। ओके, तो ये रहा इनका हिस्ट्री मार्केट के अंदर आने से, कैसे आया AWS। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हम लोग को क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे डिप्लॉय मॉडल करता है, तो बात करते हैं हम लोग, तीन ऐसे चीज़ें हैं जिससे क्लाउड जो है हम लोग को डिप्लॉय करता है। फर्स्ट पब्लिक, सेकंड प्राइवेट क्लाउड, थर्ड इज हाइब्रिड क्लाउड। ओके, अगर पब्लिक क्लाउड की बात करें तो पब्लिक क्लाउड फ्री टू ऑल यूज रहता है, AWS एंड अजूर के अंदर जितने भी सर्विसेज होते हैं वो फ्री होते हैं। ओके, इनका सर्वर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, वेब होस्टिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, पब्लिक के अंदर। प्राइवेट क्लाउड पे चलते हैं। प्राइवेट क्लाउड के लिए एक यहाँ मैं डायग्राम करके आपको समझा देता हूँ। मान लो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, कि प्राइवेट क्लाउड जैसे आप क्या करते हो कि आप अमेज़ॉन के अंदर हो और अमेज़ॉन के अंदर आप उनका डिफ़ॉल्ट VPC यूज करते हो, या फिर जो क्लाउड आप यूज करते हो पब्लिक क्लाउड वो ठीक है। आप पब्लिक क्लाउड में, तो मैंने बता दिया आपको क्या है। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी है, जैसे सारे अमेज़ॉन पे ही हैं, उनका
जो नेटवर्क होता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट होता है ना, वैसे ही नेटवर्क है ये, प्राइवेट क्लाउड। ओके, हेड ऑफिस है। ओके, डेल डेल जो है इंडिया में। ओके, डेल जो है हेड ऑफिस है इंडिया में। ओके, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, अमेरिका हो गया, देन काबुल हो गया, देन श्रीलंका हो गया। ये कहता क्या है कि मतलब बोलता है अमेजोन से कि भाई मेरे पास जितने भी मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करता हूँ वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपका पब्लिक क्लाउड नहीं ले सकता क्योंकि मेरे जितने भी डेटा हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है और वो हैक हो सकते हैं, मैं आपके पब्लिक क्लाउड को नहीं ले सकता। उस केस में क्या होता है, अमेजोन आपको प्राइवेट क्लाउड की स्केलेबिलिटी भी देता है कि आप खुद से अपनी प्राइवेट क्लाउड जो है वो बना सकते हो और अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हो। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि आपको कोई भी हैक कर सकता है, बट प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि वो खुद से मैन्युफैक्चर किया हुआ रहता है, खुद से बनाया रहता है। जैसे आप अगर खुद से वीपीसी बनाते हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अलग चीज़ है, वो अलग ही टॉपिक है। वो वर्चुअल मतलब क्या होता है कि आप जो जो दिखता है वो दिखता है बट वो रियल है नहीं, वर्चुअल का मतलब वो है। लेकिन आपको प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको कस्टमाइज करना पड़ता है। मान लो कि ये हेड ऑफिस है, डेल ऑफिस, आप यहाँ प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करते हो और कनाडा, यूएस, अमेरिका, काबुल, जितने भी श्रीलंका है, इनके पास इंटरनेट होना चाहिए आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ओके, इस केस में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड जब स्प्रेड होता है सारे अपने क्लाइंट के साथ, तो कोई भी थर्ड पार्टी, जो थर्ड जैसे मान लो चाइना हो गया, वो आपके प्राइवेट क्लाउड पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, मतलब आपके क्लाउड के अंदर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक घर के अंदर काम कर रहे हो और सारे बंद पड़े हुए, ना दरवाजा है ना कुछ, सारे बंद पड़े हैं, उसके अंदर क्या काम चल रहा है बाहर वाले को पता तो नहीं चलेगा ना। आप एग्जाम्पल यही ले लो कि हाँ वो प्राइवेट वर्क हो गया कि भाई आप क्या घर के अंदर कर रहे हो बाहर को किसी को नहीं पता। लेकिन आप वही चीज़ छत पे, अपने घर के छत पे काम करोगे, सबको दिखेगा, पता चलेगा। आप एग्जाम्पल में ये समझ सकते हो। तो प्राइवेट क्लाउड को हम लोग इंटरप्राइजेस क्लाउड भी कहते हैं। ओके, आप प्राइवेट क्लाउड को इंटरप्राइजेस क्लाउड भी बोल सकते हो, एज नोन एज इंटरप्राइजेस क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं बता दूं कि पब्लिक क्लाउड अगर आप सर्वर पे लाते हो तो आप सोच रहे हो प्राइवेट क्लाउड लाके मेरा हेडेक कम हो गया, बट प्राइवेट क्लाउड को आप सर्वर पे लाके आपकी हेडेक कम नहीं होती है। हाँ, आप इसे सिक्योर कर रहे हो, आप इंक्रिप्शन डाल सकते हो, लेकिन आपको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्राइवेट क्लाउड में भी आपको सारे सर्वर्स को फिर से रीअरेंज उसमें करना पड़ेगा। ओके, आपको खुद से आपको इंक्रिप्शन लगानी पड़ेगी, खुद से आपको फायरवॉल लगानी पड़ेगी, खुद से आपको हर चीज़ लगानी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि प्राइवेट क्लाउड लगा दिया मैं, बट इसमें बेनिफिट यही है कि आपकी जो ये नेटवर्क होगी टोटली सिक्योर होगी, कोई थर्ड एप्लीकेशन या थर्ड बंदा इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। आपकी जो डेटा होगी कॉन्फिडेंशियल होगी, आपके क्लाइंट के अंदर होगी, आपकी कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकती प्राइवेट क्लाउड के अंदर। मतलब ये मत समझना कि आप प्राइवेट क्लाउड के अंदर हेडक कम होगी, और इसमें ज़्यादा ही आपको वर्क करना पड़ता है। अब बात करते हैं, लास्ट बचा हाइब्रिड क्लाउड। ओके, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, अगर आपको पब्लिक क्लाउड भी चाहिए प्राइवेट क्लाउड भी चाहिए, मतलब दोनों मिक्स चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आपको पब्लिक क्लाउड से भी कुछ चाहिए, प्राइवेट क्लाउड से भी चाहिए, तो आप ले सकते हो। मतलब हाइब्रिड क्लाउड का कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट क्लाउड पे कुछ पड़ी है, पब्लिक क्लाउड पे कुछ पड़ी है, तो आप दोनों को मर्ज करके तीसरा बंदा उसको आप यूज कर सकता है। हाइब्रिड का मतलब ये है। हाइब्रिड का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट को मर्ज करके आप यूज कर सकते हो। ओके, पब्लिक प्लस
प्राइवेट, आप दोनों को मर्ज करके आप हाइब्रिड क्लाउड भी बना सकते हो। आप जो एक्सेस दे सकते हो, आप एक्सेस दे दोगे तो आप यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। एक छोटी सी टॉपिक और है वर्चुअलाइजेशन के बारे में, एक छोटी सी टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। जैसे आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, सर्विस एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन जो है इसको आप हाइपरवाइजर भी बोलते हो। हाइपरवाइजर क्या होता है कि इस तीनों चीज़ों को वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, एक इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक चीज़ है जिससे हम इस तीनों चीज़ों को वर्चुअलाइजेशन करते हैं, वर्चुअलाइज करते हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग हाइपर वी के नाम से जानते हैं। AWS की बात करूं तो उसमें हम लोग सिट्रिक्स के नाम से जानते हैं। VMware के बारे में बात करूं तो VSphere EX1 के नाम से हम लोग जानते हैं। हाइपरवाइजर एक तरीका है जिससे आप ये तीनों चीज़ों को वर्चुअलाइजेशन करते हैं, देन वर्चुअलाइजेशन के आप ऊपर ये सारे चीज़ें आप यूज कर पाते हैं। तो हाइपरवाइजर को हम लोग इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरीका है जिससे आप सारी चीज़ों को वर्चुअलाइजेशन कर पाते हैं और वर्चुअल फॉर्म में आप यूज कर पाते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये तीनों चीज़ों को वर्चुअलाइज कर दोगे तब आप क्लाउड बना सकते हो। ओके, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारी इंफ्रा होगी, उसके बाद हम उसे वर्चुअलाइज करेंगे, देन हम अपने क्लाउड इंफ्रा को यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है। आगे मैं चल के फिर इस पे अगर आप बोलोगे तो वीडियो मैं बना दूंगा, बट आप यहाँ तक समझ जाओ कि यहाँ इसके बाद हम डायरेक्ट AWS के टॉपिक पे चलेंगे, जैसे EC2 इंस्टेंट क्या होता है और भी सारे बहुत सारे टॉपिक है। यहाँ तक जितने भी थे AWS के बेसिक चीज़ें थी, यहाँ तक आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सर्विसेज देती हैं, क्या क्या सर्विसेज के अंदर वो डिप्लॉयमेंट करती हैं, AWS क्या है, AWS की हिस्ट्री क्या है, और भी मैंने बताया कि टॉप प्लेयर कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं AWS के, सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बात किया, सर्विसेज मॉडल्स क्लाउड के बारे में बात किया, डिप्लॉयमेंट के बारे में बात किया। यहाँ तक जितने भी मैंने बताए सारे बेसिक चीज़ें थी AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे AWS के टॉपिक के बारे में। AWS हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ से, बेसिक एक एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।